चंडीगढ़ में बाढ़ के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन का ऐलान है। सरकार से मिले मुआवजे से अब संतुष्ट हैं किसान और इसी के चलते प्रदर्शन का ऐलान इन्होंने कर दिया है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट है पुलिस, हाई अलर्ट पर पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस को रखा गया है। बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा कड़ी है, हथियारों से लैस रिजर्व फोर्स तैनात की गई है। कई किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है। देखिए, कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो इसको देखते हुए ये जो एहतियाती कदम है वो उठाने शुरू हो गए हैं। बाढ़ के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। सरकार से मिले मुआवजे से असंतुष्ट है किसान तो उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। किसान प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं और उससे पहले आप तस्वीरों में भी देख लीजिए, पुलिस अलर्ट पर है। पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली में पुलिस जो है अलर्ट पर है। बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा कड़ी की गई है, हथियारों से लैस रिजर्व फोर्स तैनात हुई है। कई किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। नजर बनी हुई है पुलिस की पूरी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस। देखिए, बाढ़ को लेकर जो मुआवजा मिला था, बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर, उससे किसान संतुष्ट नहीं है और इसीलिए किसानों ने प्रदर्शन करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अब ये प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पे ना हो और इसकी वजह से समस्या जो है आम लोगों को या अन्य समस्या ना पैदा हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ गई है। अभी से हथियारों से लैस रिजर्व फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। खासतौर पर पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली में पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है।